नमस्कार, मैं शारदा सिंह, पूर्व माध्यमिक शाला सिंधिया, जिला कोरबा। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पृथ्वी पर जीवन के बारे में। ठीक है, पृथ्वी एक ऐसा ग्रह है जिसमें जीवन पाया जाता है। जीवन के लिए तीन चीजें, भोजन, जल और वायु, ये बहुत आवश्यक है। इसके बिना हम जीवन की कल्पना नहीं कर सकते। ये चीजें जहाँ पे ज्यादा मात्रा में उपलब्ध होती है, वहाँ पर जीवधारी ज्यादा मात्रा में रहते हैं, और जहाँ पर कम मात्रा में है वहाँ पे कम मात्रा में जीवधारी भी पाए जाते हैं। अगर हम पृथ्वी की संरचना भी देखें तो पृथ्वी जो है वो गोल है। यहाँ पर अगर हम उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, ये वाला जो पोर्शन है ये उत्तरी ध्रुव कहलाता है, और ये वाला जो पोर्शन है वो दक्षिणी ध्रुव कहलाता है। तो जो उत्तरी ध्रुव और जो दक्षिणी ध्रुव का पोर्शन है ये पूरे बर्फ पर बर्फ से ढका रहता है। तो ऐसे क्षेत्रों में जीवन की कल्पना बहुत कम जीवन पाया जाता है। मतलब यहाँ पर जो जीवधारियों की संख्या है वो बहुत कम होती है, क्योंकि यहाँ ज़्यादा भोजन की व्यवस्था नहीं होती। वहीं अगर हम मैदानी क्षेत्रों में देखें, जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश, हमारा छत्तीसगढ़, यहाँ पे चूँकि प्रचुर मात्रा में भोजन है, जो चीज़ें जीवन के लिए आवश्यक है वो अच्छे से यहाँ पर उपलब्ध हो जाती है, इसलिए यहाँ पर जो जनसंख्या है वो ज़्यादा पाया जाता है। ऐसे ही पृथ्वी पर सभी जगह में जहाँ पर भोजन की पर्याप्त मात्रा में पाया जाता है वहाँ पे जीवधारी ज़्यादा मात्रा में रहते हैं। और कुछ जगह ऐसे भी हैं, जैसे रेगिस्तान हो गया, रेगिस्तान जहाँ पर रेत ही रेत होता है, ऐसी जगह पर भी बहुत कम जीवधारी पाए जाते हैं। ठीक है, इसके अलावा बहुत सारी परिस्थितियाँ ऐसी भी हैं जहाँ पर बहुत कठिन परिस्थिति में भी जीव रहते हैं। जैसे मैं बताई कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव में भले बर्फ से ढका रहता है, लेकिन यहाँ पर भी जीवधारी जो है वो पाए जाते हैं। इसी प्रकार जैसे रेगिस्तान है जहाँ रेत ही रेत है, यहाँ पर भी न ज़्यादा फसल होता है, न कुछ होता है, ना ही वहाँ पानी की भी कमी रहती है। ऐसी जगह पर भी जीवधारी पाए जाते हैं। मतलब जीवधारी जो है अपने अनुकूल वातावरण, जो ऐसे कठिन परिस्थितियों में जो जीवधारी रहते हैं वो उस वातावरण के अनुसार अपने आप को अनुकूलित कर लेते हैं। इस गुण को हम कहते हैं अनुकूलन। अनुकूलन का अर्थ होता है जो जीवधारी जिस वातावरण में रहता है उसी के अनुसार अपने आप को परिवर्तित कर लेता है। तो इस घटना को हम कहते हैं अनुकूलन। ठीक है, और जो जिस वातावरण में रहता है उसको उसका आवास कहते हैं। इसी प्रकार अगर हम भारत को देखें तो भारत जो है वो तीन ओर से समुद्र से घिरा हुआ है। उत्तर में हिमालय है, राजस्थान का भाग है वो पूरा रेगिस्तान ही है, बिहार, उत्तर प्रदेश, ये जो है मैदानी क्षेत्र। इस प्रकार हम देखें तो पूरी पृथ्वी में जो संरचना है वो अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग है। कहीं पे भोजन पर्याप्त मात्रा में है, जैसे कुछ एरिया ऐसे है, लद्दाख का एरिया ऐसा है कि जहाँ पे चारों ओर रेत ही रेत है लेकिन वो गर्म नहीं है, वहाँ पे बर्फ भी जमता है। तो ऐसी भौगोलिक परिस्थिति अगर हम भारत में भी देखें तो चारों ओर अलग अलग परिस्थिति। अगर हम छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ में भी अगर हम देखें तो कई एरिया ऐसा है, जैसे मेनपाट का जो एरिया है वो थोड़ा ठंडा है प्रदेश है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ गर्मी है, कुछ एरिया ऐसे हैं जहाँ पे कुछ विशेष प्रकार की जीवधारी पाए जाते हैं। इस प्रकार हमारे आसपास का जो वातावरण है बहुत ज़्यादा विविधता लिए हुए हैं। ये जीवधारी आपस में मिलकर एक खाद्य श्रृंखला का भी निर्माण करते हैं। इसकी जो शुरुआत होती है हमेशा पौधे से होती है। अब हम बोलेंगे कि खाद्य श्रृंखला की जो शुरुआत है वो पौधे से क्यों होती है। पौधे जो होते हैं वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं प्रकाश संश्लेषण की सहायता से, इसीलिए, और इनको उत्पादक भी माना जाता है। इसीलिए किसी भी खाद्य श्रृंखला की शुरुआत सबसे पहले पौधों से ही होती है। जैसे हम बोल सकते हैं कि जैसे खून है, चावल और गेहूँ में आपने देखा होगा घून पाया जाता है। इस घून को छोटे कीड़े खाते हैं, इन कीड़ों को बड़े कीड़े खाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से ये एक खाद्य श्रृंखला का निर्माण करते हैं। जैसे घास का मैदान हो गया, घास में टिड्डे जो होते हैं वो घास को खाते हैं, इन टिड्डों को बड़े कीड़े खाते हैं। ठीक है, कीड़े खाते हैं, यहाँ पे पक्षी खाते हैं, इन पक्षियों को सांप खाता है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो ये एक चेन की तरह बनते जाता है, एक श्रृंखला की तरह बनते जाता है, जिसको हम खाद्य श्रृंखला कहते हैं। इस प्रकार हम अपने आसपास देखें तो जीवन में बहुत, पृथ्वी पर जो जीवन है उसमें बहुत प्रकार की विविधताएं
किसान एरिया है। इसमें आप देखेंगे तो दिन जितनी ज़्यादा ठंडी रहती है, रात दिन में जितना ज़्यादा गर्मी रहता है उतनी ज़्यादा रात जो होती है वो ठंडी होती है, ठीक है। इसके अलावा अगर बर्फीले क्षेत्र को देखें तो इसमें बहुत ज़्यादा ठंडी पाई जाती है और बहुत कम जीवधारी पाए जाते हैं। हमने अपने छत के पुराने मकानों में पीपल के पेड़ को लगे हुए देखा होता है। पीपल के जो पेड़ होते हैं वो हवा तो चलो उनको मिल जाती है, अब हम बोलते हैं कि उसमें खनिज लवण उनको कहाँ से मिलता है, तो हम बता देते हैं कि पीपल की जो पेड़ें होती हैं उनकी जो जड़ें होती हैं भूमि में बहुत गहराई तक जाती हैं, तो उसकी जड़ें नीचे तक फैल करके हवा पानी ये सारी चीज़ें ग्रहण कर लेती हैं। एक चीज़ और होता है जैसे घुन हो गया इसको हम कभी भी, या छिपकली, इसको हम पानी पीते नहीं देखते हैं, तो ये पानी कहाँ से पीते हैं, तो इसको मैं बता देती हूँ कि जो घुन है या जो छिपकली है ये जिस भी जीव को अपने भोजन के रूप में ग्रहण करते हैं वहीं से ये पानी की, उनके शरीर में उसी से ये पानी की कमी को पूरा कर लेते हैं, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम अपने पर्यावरण में देखें आसपास तो बहुत प्रकार की विविधताएं, जीवधारी, जीव जंतु ये सभी पाए जाते हैं, और इस प्रकार जो है ये पृथ्वी पर जो जीवन है वो यहाँ पर इसी प्रकार पृथ्वी पे जीवन की निरंतरता बनी रहती है। इनमें बहुत सारी विविधताएं पाई जाती हैं और ये एक दूसरे से परस्पर किसी न किसी रूप में जुड़े होते हैं, ठीक है। नमस्कार।